हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंद्रवीर सिंह राठौड़ आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको ड्राइविंग क्लास के बारे में बताएंगे कि जो आज हम गाड़ी चलाने वाले हैं वो है टाटा टियागो। तो आज हमारे स्टूडेंट हमारे साथ में हैं, तो आप अपना नाम बताइए। आपका क्या नाम है? ज्योति अग्रवाल। और आपको ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है? आज 12th day है। 12th day है ना, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ना, आप अपनी सीट एडजस्ट कर लो। सीट ऑलरेडी आपने एडजस्ट कर ली, ठीक है। तो अब अपन क्या है, न्यूट्रल चेक करो स्टार्ट करने के लिए, इंजन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। न्यूट्रल है, गियर है ना, राइट लेफ्ट करने से पता चल रहा है, लेकिन एक बार गियर लगा के देख लो, क्लच दबाओ और आगे करो, ठीक है। और अब हिला के देखो, है ना, अब न्यूट्रल करो, तो इससे पता चल रहा है कि ये ज़्यादा मूव कर रहा है, मतलब गाड़ी गियर में नहीं है ये। हाँ रुको, हाँ ठीक है। अब फर्स्ट गियर लगाओ एक बार क्लच दबा के, ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड लगाओ, बिल्कुल। अब थर्ड लगाओ, सही है। अब फोर्थ लगाओ, अब फिफ्थ लगाओ, ठीक है। अब रिवर्स लगाओ, पूरा उधर प्रेस करके, ये रिवर्स है। अब न्यूट्रल कर लो, ठीक है। अब इंजन स्टार्ट करेंगे अपन। चाबी घुमाओ, उधर इग्निशन स्विच है, सेल्फ लेंगे, घुमाओ एक बार और। इसके बाद में एक बार और टर्न करोगे, हाँ टर्न करो आगे की तरफ, पीछे तो बंद हो गया, बिल्कुल हाँ। अब इंजन स्टार्ट हो गया है, नहीं हुआ, एक बार और क्लच दबा के होएगी आपकी गाड़ी, जो है क्लच दबा के स्टार्ट होएगी। दबाओ पूरा आखिरी तक, लास्ट तक, एंड तक, ठीक है। अब स्टार्ट हुई है गाड़ी, है ना, ठीक है। अब स्टीयरिंग घुमा के देखो आप, पूरी राइट घुमाओ, पूरी क्लच छोड़ दो, स्टार्ट हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। राइट पूरी टर्न करो, ये वन सर्कल और करो, देखो कितनी घूम रही है, अपन आइडिया ले लेते हैं। ये डेढ़ हो गया, वन एंड हाफ हो गया, ठीक है। अब ये आधा चक्कर सीधा कर लो, ये आधा, और अब एक और करो, ये सीधी हो गई स्टीयरिंग, है ना, ये हमारे सीधे हैं टायर। फिर लेफ्ट इंडिकेटर ऊपर करो, ऑन। अब लेफ्ट टर्न करो, ये वन सर्कल एंड देन हाफ सर्कल, ठीक है। अब ये वापस सीधी कर लो, पहले तो आधा सर्कल, अब आधा, एक और, ये अपनी सीधी हो गई, ठीक है। अब इंडिकेटर चला के देखो ऊपर, ठीक है, लेफ्ट का जल रहा है जी। अब ऑफ करो, राइट का जला के देख लो नीचे, सेम है प्रोसीजर, ऑफ कर लो। अब हेडलाइट ऑन करके, कैसे हेडलाइट ऑन करते हैं, तो ये जो स्विच है इस पर लिखा हुआ है कि उसको रोल करो आगे की तरफ, घुमाओ, हाँ, ये एक बार पार्किंग लाइट होगी, एक बार और घुमाओ, ये हेडलाइट हो गई, ठीक है। अब ऑफ कर लो, ठीक है, ऑफ पे आ गया ना वो सिंबल, तो मतलब ये अपनी ऑफ हो गई है, ठीक। अब ये जो स्विच होता है इसके बारे में मालूम है, वाइपर स्विच होता है ये वाला अपना, इस पर लिखा हुआ है पुल, इसको अपने फेस की साइड दबाओ, ये विथ वाटर चल रहा है, पानी के साथ चलाना, फ्रंट विंडशील्ड साफ करने के काम में आता है ये, ठीक है। अब ऑफ कर दो, नीचे ही नीचे देखो, इसमें ऑफ लिखा हुआ है स्विच में जी, है ना, तो नीचे ही नीचे कर दो इसको, सबसे नीचे, हाँ बस सही है, ऑफ हो गया, ठीक है। ये हो गया अपना इंडिकेटर, हो गया वाइपर, हो गया ये हैंड ब्रेक होता है, हैंड ब्रेक को आपको पता ही है कैसे अपन कर रहे हैं, ऊपर खींच के बटन दबा के नीचे, अब विदाउट बटन ऊपर, ठीक है, ये लग गया हैंड ब्रेक, ठीक है। मिरर्स आपके सेट है ही, साइड व्यू मिरर ये वाला भी सेट है। चलिए अब क्लच दबा लिया, दबा लो, फिर अपन चलने की प्रिपरेशन करेंगे। फर्स्ट गियर लगा लिए, पूरा दबाओ एंड तक क्लच, बिल्कुल हाँ। अभी हैंड ब्रेक डाउन करो, एक रेड कलर की लाइट आ रही है ऑडोमीटर में, वो हैंड ब्रेक की है ना, लाल वाली, गोले में उल्टा है बना हुआ, ठीक है, बिल्कुल सही है। अभी धीरे धीरे क्लच छोड़ना, जहाँ गाड़ी मूव करेगी वहीं, बिल्कुल हाँ। अब रोक के देखो, क्लच दबाओ पाम ब्रेक पे, ब्रेक हल्के से लगाते ही रुकेंगे, क्योंकि समझ गए, अपन ने ब्रेक एफिशिएंसी चेक करने के लिए ही ब्रेक लगाए हैं, ठीक है। अब वापस छोड़ो धीरे धीरे, देखो गाड़ी बंद हुई, क्यों हुई, मैंने एक साथ एकदम एकदम से क्लच छोड़ दिया, बिल्कुल। तो अब इंजन स्टार्ट करो वापस, क्लच दबा के होएगी आपकी गाड़ी इंजन, बिल्कुल ठीक है। अब धीरे धीरे छोड़ो क्लच, धीरे धीरे जहाँ मूवमेंट में आ जाएगी वहीं हमें होल्ड कर लेना, बस यही, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ कि आगे प्रॉब्लम नहीं हो। वापस रोक लो आप, क्लच दबा के ब्रेक लगाओ, बिल्कुल हाँ लगाओ, बिल्कुल सही स्टॉप कर रहे हो, ठीक है। अब वापस से चलो, क्योंकि ये प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे ट्रैफिक में जाके हम फंस जाएंगे। धीरे धीरे हाँ बिल्कुल सही है, पूरा छोड़ दो, सही है। इधर थोड़ा साइड में आओ, लेफ्ट में देख के, कोई भी नहीं है ना, आगे वापस रोकेंगे, क्योंकि हमें स्टार्ट करने से पहले रोकना आना चाहिए गाड़ी को, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही वही है कि गाड़ी स्टॉप करना है। वापस से क्लच दबा लो और ब्रेक लगा लो, स्टॉप कर लो,
हाँ, ब्रेक की एफिशिएंसी देख ली आपने, आपकी बार बिल्कुल सही लगा है, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई इसमें धीरे धीरे लगाना है, एकदम से लगाने से झटके से रुक रही है। तो अब वापस चलो, क्लच छोड़ो धीरे धीरे, फिर बताओ क्या गलती करी है आपने, क्लच एक साथ छोड़ दिया है ना। अब क्या करेंगे, गाड़ी क्या हो गई है, बंद हो गई है, क्लच दबा के मुझे स्टार्ट कर लेनी है ना। तो अब धीरे धीरे छोड़ो, लेकिन आप बिल्कुल इतना इतना ही समझ रहे हो बात को, इतना ही बिल्कुल। हाँ, अब चलने दो, आ गए, चालू हो गई रेस की जुड़ती नहीं है इसमें, है ना। अब ले रेस देखे हल्की हल्की, और आगे रेड लाइट है, अपन चल के वहाँ पे स्टॉप ही करेंगे, है ना। बिल्कुल इनके पीछे चल के हमें स्टॉप ही करना है, बिल्कुल सही है, चलते रहो। साइड व्यू मिरर में देख लो गाड़ियाँ हैं, अपने तो इधर ही लेफ्ट साइड ही रखेंगे। अब क्लच दबा लो, पूरा पाँव ब्रेक पे ले लो, बिल्कुल हल्के हल्के लगाना। हाँ, थोड़ा जाने दो, अभी लगाओ मत, अपने आप ही रुक जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल। हाँ अब स्टॉप कर लो, अब हमें चलने की बारी आने वाली है, तो अपन को धीरे धीरे, अभी नहीं, जब ये ग्रीन हो जाए बिल्कुल धीरे छोड़ना, चाहे अपन को 2-4 मिनट लग जाए, लेकिन अपन बंद नहीं होनी चाहिए गाड़ी, और प्रेशर में मत आना, हड़बड़ी भी मत करना, बिल्कुल। उधर देख लो ऊपर टाइमर में, अगर टाइम दिख रहा है तो, कि कितने सेकंड्स हैं, अब होने में ही है ग्रीन, है ना। बिल्कुल धीरे धीरे रिलीज करो क्लच को, बिल्कुल धीरे धीरे। हाँ बिल्कुल इतना ही, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, बिल्कुल सही छोड़ रहे हो, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। अब पूरा हटा लो चाहे क्लच से, है ना, और स्पीड बढ़ाओ हल्की हल्की, एक्सीलेटर लो, बिल्कुल सही ले रहे हो, और बढ़ाओ एक्सीलेटर, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, बिल्कुल सही है। अभी एक्सीलेटर छोड़ो, क्लच दबाओ, सेकंड गियर लगाओ, बिल्कुल ठीक है, और लेफ्ट साइड रखो, उधर जा रही है गाड़ी रोड पे, पीछे देखो कांच में मिरर्स में कितनी गाड़ियाँ हैं ना, अपनी इधर भी है और उधर भी है, अपने राइट साइड में भी है, अपनी पोजीशन स्लो लेन में रहेगी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही चला रहे हो, सही है। गाड़ी थोड़ी सी इधर करो। हाँ लेफ्ट आएगी, बिल्कुल सही पहचाने हो, लेकिन लेफ्ट साइड भी मिरर में देखो एक बार, अब वो उधर आ गई है लाइट, राइट है ना, कोई इशू नहीं है, आराम से इजी गोइंग है, अपन को जल्दी से मतलब नहीं है, अपन को परफेक्शन लाना है बस, और सेफ्टी सबसे पहले, अपने ये गली है, गली का मोड है, तो अपने पाँव ब्रेक पेडल पे ले लो आप, सीधा वाला बीच में, है ना। अब ले जाओ रेस पे, सही है, कोई आता तो हम लगाते, नहीं तो हम चल के रेगुलर हो लेंगे। अब चलो और बढ़ाओ एक्सीलेटर, बिल्कुल सही है, और बढ़ाओ, सही है, और बढ़ाइए, अभी एक्सीलेटर छोड़ो, क्लच दबाओ, और थर्ड गियर, बिल्कुल सही है, ये हो गया थर्ड, है ना। झटके क्यों खा रही है, क्योंकि आपने पांचवा लगा दिया, तीसरा नहीं, क्लच दबाओ, पहले क्लच दबा लो, दबा लिया, अब इसको ढीला छोड़ दो। हाँ ये थर्ड है, यस। अब खा रही है झटके, नहीं खा रही ना, अपन ने फिफ्थ लगा दिया था इसीलिए। आप क्या ज्यादा उधर ले गए थे हाथ को, ये सब चीजें मतलब एक तरह से बता देंगी कि हम, हाँ गाड़ी खुद ही बता रही, पाँव ब्रेक पे आ गया आपका, अब ले जाओ एक्सीलेटर पे, गाड़ी आना चाहिए, है ना, जब भी कोई भी सामने आए तो आपका पाँव ब्रेक पेडल पे आ जाना चाहिए, ताकि हम रोकने लायक सिचुएशन में रहें, ठीक है। अभी आगे टी पॉइंट आ रहा है, और बढ़ाओ स्पीड, है ना, तो हमें क्या है स्ट्रेट चलना है, लेकिन हम क्या पाँव ब्रेक पेडल पे ले लेंगे, अभी तो चलने दो थोड़ा दूर है, और चलने दो स्पीड। हाँ, और आप क्लच दबा लो पूरा लास्ट तक, और पाँव ब्रेक पे ले लो, ठीक है, राइट हॉर्न दो, राइट लेफ्ट देखो कोई नहीं है, अब क्लच छोड़ो फिर चलो, बिल्कुल सही है, सीधी रखते हुए आप पीछे देख लो, वो हॉर्न दे रही है, निकल जाएगी, इजी गोइंग है, सही चल रहे हो। इनको भी हॉर्न का इशारा करते हुए किया, एक और गाड़ी है पीछे देख लेंगे अपन, ठीक है, राइट ले थोड़ा आपकी तरफ, बिल्कुल सही है, और बढ़ाते रहो एक्सीलेटर, सही है, इजी गोइंग है, बिल्कुल पीछे भी देख लेंगे, आगे वो रॉन्ग साइड वगैरह आ रहे हैं, निकल जाएंगे आराम से। हाँ आगे पेट्रोल पंप और झाड़का मंदिर की क्रॉसिंग है ना,
तो अपने पाँव ब्रेक पे ले लेंगे, ब्रेक पेडल पे। सही है, बाय चांस कोई भी आ जाए तो हम रोकने लायक सिचुएशन में रहने चाहिए। अब क्लच छोड़ो, कोई भी नहीं है, क्लियर है, चल सकते हैं। और लेकिन आगे रेड लाइट है और अपन सीधा चलेंगे तो हमें वापस से वहाँ पे चल के और 24 सेकंड्स है समथिंग। क्लच दबा लो और पाँव ब्रेक पे ले लो, स्लो करने लग जाओ हल्के हल्के, एकदम मत लगाना, अपने पीछे भी गाड़ियाँ हैं, वो नहीं रोक पाएंगे नहीं तो। हल्के हल्के हाँ, और रोको हल्के हल्के, हाँ ऐसे ही रोक लो, इधर मत लो चाहे। हाँ क्लच पूरा दबाओ लेकिन, ठीक है। फर्स्ट गियर लगाओ, डाउन करो थर्ड से निकाल के, लेफ्ट करके देखो, ये नहीं है, ये ऐसे, ठीक है। अब धीरे धीरे छोड़ो, बिल्कुल धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे रिलीज करो क्लच को। हाँ छोड़ो, चाहे टाइम लग जाए, बिल्कुल सही है, परफेक्ट छोड़े हो। हॉर्न देते रहो, रेस मत लेना, रेस मत लेना, और देते रहो हॉर्न। देखो फिर भी जंप करके आ रहे हैं, और हॉर्न दो, अब ले रेस, एक्सीलेटर अब ले सकते हो आप, बिल्कुल बढ़ाओ, और बढ़ाओ, बिल्कुल सही है, और बढ़ाइए एक्सीलेटर, बिल्कुल। स्टीयरिंग नहीं छोड़नी है चलती गाड़ी में, हमेशा ये चीज़ें रोक के करनी है हमें, है ना, और बढ़ाओ स्पीड, बिल्कुल। अभी एक्सीलेटर छोड़ो, क्लच दबाओ, सेकंड गियर लगाओ, बिल्कुल। क्लच नहीं दबाया इसलिए टाइट आ रहा है, फोर्थ लग गया, क्लच दबाओ, अब चलो। और गाड़ी की पोजीशन देखो कहाँ पहुँच गई गाड़ी, इधर लेफ्ट देख के मिरर में, है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और बढ़ाओ हल्की हल्की एक्सीलेटर, सही है, सेम पोजीशन। ये गली है हॉर्न देते हुए, कि बाई चांस कोई आ जाए तो हम रोकने लायक सिचुएशन में रहे हैं। और आ रही है पीछे से गाड़ियां, निकल जाएगी, लेकिन वो उनके लिए है स्पेस। फिर ये गली है, इधर पाम ब्रेक पे आ जाना चाहिए, लगाना नहीं लगाना बात की बात है, अब ले जाओ एक्सीलेटर पे, यार सही है, बिल्कुल यही सेम पोजीशन, इसी लेन में चलती रहेगी, क्योंकि अपन 40 से बिलो चल रहे हैं तो ये स्लो लेन है, इसी में ड्राइव करेंगे। और बढ़ाते रहो हल्की हल्की, हाँ सही है, मूव सही है, बिल्कुल सही मूवमेंट दे रहे हो, पोजीशन भी सही है गाड़ी की, अब रोड सीधी हो रही है तो वापस हल्का सा लेफ्ट स्टीयरिंग हो जाएगा, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल, हाँ आगे अपने कॉन्फिडेंस आना चाहिए, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आप चलाओ, बहुत बढ़िया चला रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि आप अंडरस्टूड कर पा रहे हो, इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, सेंस कर पा रहे हो। लेफ्ट इंडिकेटर ऑन करो ऊपर, ठीक है, अभी लेफ्ट साइड व्यू मिरर में देखो कोई भी नहीं है मेरी तरफ वाले में, है ना, तो क्लच दबा लो, पाँव ब्रेक पे ले लो, ठीक है। लेफ्ट हमेशा नज़दीक से होता है, कोई भी आए तो हल्की हल्की करके रोकनी है, एकदम नहीं रोकनी है, ठीक है, बिल्कुल अभी इतना ही रेडियस, अभी इतना ही, बिल्कुल। अब मोड़ेगा, है ना, उधर देख के राइट में, क्लच छोड़ो अब धीरे धीरे, बिल्कुल हाँ, हाथ ऐसे ही रहेंगे आपके जब तक गाड़ी स्ट्रेट ना हो जाए। अब गाड़ी का फेस सीधा तो स्टीयरिंग भी सीधी हो जाएगी। अब लो आप एक्सीलेटर लेते हो, पीछे मिरर में देख लो, है ना, क्या पोजीशन है मुड़ते ही, सही है, चल सकते हैं अपन। हाँ गियर का नहीं पता चलता, गियर का पाँव ब्रेक पे, पाँव ब्रेक पे, जिसके मीटर में पता चल रहा है ना, वो मीटर में देखो टू लिखा हुआ है ऊपर, अच्छा, मतलब हमारी सेकंड में चल रही है, ठीक है, ऊपर ही ऊपर कोने में लिखा हुआ है जी। बिल्कुल अभी चलो, हाँ, और अभी गियर मांगेगी तो उसमें एरो भी आएगा, अप करके एरो आ रहा है, मतलब ऊपर बढ़ाने के लिए बोल रही है वो, जैसे अभी तो और तेज करो, देखे सीधी रखते हुए, लेकिन पोजीशन मेंटेन रखो गाड़ी के, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन इधर देखो एक है टू व्हीलर वाला, है ना, लेकिन वो उधर आ गया, डीपर दो इसको ऐसे, यस अब चलो, बिल्कुल सही है, सेकंड में ही चलने देते हैं, कंजेस्टेड रोड है ना, पेट्रोल पंप की क्रॉसिंग है आगे, तो अपने पाँव ब्रेक पेडल पे ले लो आप, है ना, लगाना नहीं लगाना, एक बार क्लियरेंस हो जाए, गाड़ी सीधी रखो लेकिन, हाँ बस अब चलो एक्सीलेटर पे लेके, हाँ हॉर्न दे दो चाहे उनको, हॉर्न देने में कोई बुराई नहीं है, अगला भी सेफ, अपन भी सेफ, राइट का भी ग्रीन है, स्ट्रेट का भी ग्रीन है, लेकिन राइट का तो ऑफ हो जाएगा, हमें चलना है स्ट्रेट, तो हम तो चल सकते हैं, पाँव ब्रेक पे ले लो, गली से गाड़ी वगैरह निकल रही है, तो अब फिर क्लच भी लगा लो धीरे हल्का हल्का, है ना,
फर्स्ट गियर लगा लो, क्लच देखो आपने क्लच नहीं दबाया इसलिए गाड़ी बंद हो गई, इंजन ऑफ हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, क्लच दबा लो पूरा, ठीक है, इंजन स्टार्ट कर लो, पूरा दबा रखा है क्लच, स्टार्ट हो गई, फर्स्ट गियर लगाओ सेकेंड से, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा छोड़ो, इधर रखते हो, पाँव ब्रेक पे ले लो वापस, क्लच दबा लो, बिल्कुल हाँ, अब चलो, बिल्कुल सही है, कर लो और बढ़ाओ एक्सीलेटर स्पीड, हाँ बिल्कुल और बढ़ाओ, सेकंड लगाएंगे, अबाउट 10 ले जाओ निडल, फिर अपन सेकंड लगाएंगे। अब देखो उस मीटर में 1 आ रहा होगा लिखा हुआ, है ना, कौन से गियर में, फर्स्ट में है इसीलिए। अभी सेकंड लगाओ लेफ्ट करके और पीछे, ठीक है, क्लच छोड़ दो पूरा, खड्डे हैं थोड़ा बचा लें अपन इनको, ताकि हमारी गाड़ी में टूट फूट टीयर एंड वियर कम हो, अपन चलेंगे सीधा आगे से। तो आप क्लच दबा लो, पाँव ब्रेक पे ले लो, बिल्कुल पाँव ब्रेक पे है, हल्के हल्के ही लगाने, एकदम से नहीं लगाना अपन को, ठीक है, बिल्कुल छोड़ो छोड़ो ब्रेक छोड़ो, अब क्लच भी छोड़ो, जब वो रुक रहे हैं तो आप काहे को रोक रहे हो, फिर अब हॉर्न दिया करो ऐसे में, है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी गाड़ी चलाई है और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब मैं चला सकती हूँ। चलो बहुत बढ़िया है। तो देखो इन्होंने अपनी गाड़ी फर्स्ट टाइम चलाई है, लेकिन फिर भी पाँव ब्रेक पे ले लो, क्लच दबा लो, देखो हॉर्न नहीं दे रहे, इसको हॉर्न नहीं दे रहे, हाँ क्लच दबा के ही रखना, फर्स्ट गियर लगा लो, क्लच मत छोड़ो, है ना, चलो कोई भी हमारे अंदर आ रहा है ना, आप तो, अब बताइए, मैंने वो क्लच एक साथ छोड़ बिल्कुल दिया। बिल्कुल क्लच दबाओ, क्योंकि हमारा फर्स्ट गियर था, हमें फॉरगेट नहीं करना, ठीक है, अब धीरे धीरे रिलीज करो, सही है, और धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, पता सब कुछ है आपको, बस इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा, कि है ना, थोड़ा सा अमल करने में, उसको अप्लाई करने में, और ले चलो, हाँ सही है, पता चल जाता है वो गलती होने के बिल्कुल, बाद में याद बिल्कुल आता है, हाँ लेकिन ये क्या है, थोड़ा पहले भी याद आने लग जाएगा, चला आज तो पहला दिन है, उसमें तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि पहले दिन तो आपको थोड़ा अटपटा, गाड़ी चेंज हुई है, डिफरेंस आ गया बहुत सारा, उसमें मेरे पास डबल कंट्रोल से रहते थे, इसमें मेरे पास नहीं है, बस ओनली आपके पास ही है, सेकंड लगाओ एक्सीलेटर छोड़ो, क्लच दबाओ, सही है, बिल्कुल सही लगा है, बिल्कुल चलो, हाँ लगा है नहीं लगा है, अभी आगे चल के अपन स्टॉप करेंगे, है ना, थोड़ा और आगे चलो, बिल्कुल हाँ आगे वहाँ रोकेंगे साइड में, तो रोकने से पहले हमें क्या इंडिकेटर देना है लेफ्ट का, शैडो है, हाँ ऊपर ऊपर है लेफ्ट, है ना, अब बिल्कुल क्लच लगा के ब्रेक लगाना, क्लच दबा के ब्रेक लगाना है, रोक लो स्टॉप कर लो, बिल्कुल बिल्कुल सही है, अभी न्यूट्रल करो गियर को, बस हैंड ब्रेक लगाओ विदाउट बटन, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ, कि जैसे ये बटन है, ये काहे का बटन होता है, ये हैजार्ड लाइट का होता है ना, हैजार्ड का मतलब खतरा, एक बार दबाओ उसको, दबाने से पता चल जाएगा कुछ हो रहा है मीटर में, चारों इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, मतलब इसका कभी भी आपकी गाड़ी बंद हो जाए, रोड पे ख़राब हो जाए, या रॉन्ग साइड जा रहे हो, टायर पंचर हो जाए, पार्किंग में हो, तो हमें ये जला लेनी है, ठीक है, अब ऑफ कर दो इसको। अब पेट्रोल टैंक कहाँ से खोलते हैं आपको मालूम है? थोड़ी पीछे करो, सीट बेल्ट खोल लो, बिल्कुल सीट पीछे करो और करो, पूरी जाने दो, इधर साइड में कॉर्नर में होगा नीचे, पेट्रोल है, है ना, टिक्की है पेट्रोल, बिल्कुल है। हाँ तो दोनों का है सिंबल, दिखाना ये रहे, बिल्कुल ये दोनों के हैं, ठीक है, इनको अगर आप ऊपर खींचोगे तो खुल जाएगा, ठीक है, मालूम होना चाहिए, क्योंकि टैंक कहाँ से खुलता है, डिग्गी कहाँ से खुलती है, ठीक है। अब लो, अब सीट एडजस्ट कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है, अब बेल्ट लगा लीजिए, पीछे का आगे ले, इसको स्टीयरिंग को पकड़ना, हाँ हो गई, बिल्कुल है ना, सही है, ठीक है।